हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन पेमेंट करने का, ट्रांजैक्शन करने का बहुत सारा मेथड है, तरीका है, बट अभी मैं आपको भीम यूपीआई एप्लीकेशन की हेल्प से किसी भी बैंक अकाउंट में या फिर मोबाइल नंबर के जरिए किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन तरीका है, ऑनलाइन जरिया है, जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक कहीं पर भी पैसे भेज सकते हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लस नॉलेजेबल भी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काफी सारे ऑप्शन से मेथड है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, योनो SBI, इन सारे माध्यम से आप किसी के भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। बट भीम एप्लीकेशन भी एक ऐसा जरिया है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन के माध्यम से किसी के भी बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके या फिर आप उनका मोबाइल नंबर डाल करके पैसे भेज या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फोन में भीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो भी परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। वैसे मैंने भीम एप्लीकेशन पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। ओके, अब यहाँ पर भीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन दिखेंगे, सेंड का और स्कैन का। दोस्त, आप स्कैन करके भी, जैसे आप फोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए QR कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप जब स्कैन पर क्लिक करोगे, अलाउ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको QR कोड आपको सामने में लाना है, कैमरा के सामने में, और QR कोड स्कैन किया जाएगा और आप पैसे भेज पाओगे। बट यहाँ पर मान लो आपके पास QR कोड नहीं है तो क्या करोगे, तो दोस्त यहाँ पर आपको सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट का और अकाउंट प्लस IFSC का। ठीक है, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए पैसे भेजना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गिव परमिशन पर क्लिक कीजिए, अलाउ कीजिए। ठीक है, अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपके सारे कॉन्टैक्ट दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आपको उस कॉन्टैक्ट को चूज करना है जिसको आप पैसे भेजना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, आप जितना भी सेंड करना चाहते हैं। आप 100 रुपये भी डाल सकते हैं, 50 रुपये भी डाल सकते हैं, या फिर 10,000, 20,000, जितना भी आप भेजना चाहते हैं आप डालिए। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स में कुछ डाल दीजिए, वैसे ये ऑप्शनल है, कोई बात नहीं अगर आप नहीं डालते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कन्फर्म का पेज आ जाएगा और नीचे में सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, आप पहले रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद सेंड पर क्लिक कीजिए। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे UPI पिन मांगा जाएगा जो आपने क्रिएट किया होगा। ठीक है, आप UPI पिन डालिए और कंफर्म कर दीजिए तो आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेज पाओगे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर में दिखाया गया है कि आप किसको पैसे भेज रहे हो राइट हैंड साइड में। अब ये तो रहा पहला मेथड, बात करते हैं सेकेंड मेथड की। मान लो आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पैसे भेजना नहीं चाहते या फिर किसी भी रीजन बस आप नहीं भेज पा रहे हो, ठीक है, और आपके पास अकाउंट डिटेल्स है, जैसे कि उनका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, तो आप कैसे भेजोगे। तो दोस्त इसका भी एक प्रोसेस है, आपको सिंपल बैक कर लेना है, बैक आने के बाद अकाउंट प्लस IFSC को सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हो, जिसको भेजना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करोगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नाम डालना है, उनका अकाउंट नंबर डालना है और फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर करना है और यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स डाल दिया है, ऊपर में IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर। ओके, अब आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और देखिए आपके सामने मिस्टर अमित कुमार के नाम से आ चुका है डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 600 रुपये डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स में ऑप्शनल है, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, और यहाँ पर आप कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे यहाँ पर रिव्यू पेज आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर दीजिए। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपको UPI पिन डालना है जो आपने क्रिएट कर रखा होगा, उसके बाद राइट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप राइट वाले बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा मनी सेंड, यानी कि पैसा भेजा गया, और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना रुपया डेबिट
हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपने किसको पैसे भेजे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, अमाउंट क्या है, किस डेट को आपने भेजा है, कितने बजे भेजा है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको ऑल टू ऑल डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप बैंक को यहां से कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप भीम एप्लीकेशन की हेल्प से किसी के भी बैंक अकाउंट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ SBI में, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं उसके मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स के थ्रू। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका भी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल हुई होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।